हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये आपको न्यू ब्लॉग में हमारे वेलकम। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कल मैं जो है पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट लेने के लिए गया था। मॉर्निंग में गया था 10 बजे के करीब, तो मुझे बोला कि अभी पासपोर्ट आया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में 3-4 दिन पहले मेरा पासपोर्ट आ चुका था, बट उन्होंने बोला कि पासपोर्ट नहीं है, शाम तक आ जाएगा। जब मैं शाम को गया पासपोर्ट लेने के लिए, तो तभी मेरे को बोलते करके कि उस टाइम एक्चुअली कुछ 4 बज रहा था और उनका जो है वर्किंग टाइम नहीं था, बट वो वहाँ पे अवेलेबल थे। तो उन्होंने पूछा नाम क्या है, मैंने उनको नाम बताया कि ये नाम है, तो उन्होंने बोला करके कि चलो ठीक है, हाँ आ गया है। तो मैंने बोला ठीक है दे दो, तो मैंने मेरे को बोला करके कि 100 रुपये दो। तो मैंने बोला 100 रुपये किस बात के भाई, 100 रुपये तो है नहीं, मैं पासपोर्ट लेने के लिए आया। जो भी उसका फ़ीस लगता है, डिलीवरी फ़ीस है, वो ऑलरेडी हम लोग जब पासपोर्ट फिल करता है उसी टाइम काट लिया जाता है। तो ये अभी तो मतलब डिलीवरी के टाइम पे कुछ, एक्चुअली उनको डिलीवरी तो करना चाहिए था घर पे, बट हम आ रहे खुद पोस्ट ऑफिस लेने के लिए, क्योंकि 4 दिन तक अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो कल मुझे बोलते करके कि 100 रुपये दो, तभी जो है मैं पासपोर्ट दूँगा। पासपोर्ट वाले को बिना 100 रुपये का मतलब मैं पासपोर्ट नहीं देता हूँ। तो देखते, क्योंकि इन लोग यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में जो मतलब ये सब चल रहा है धांधली, एक हिसाब से देखेंगे तो इलीगल इंटीग्रिटी है, ये इंटीग्रिटी इशू है ये। तो कल मेरे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो जो भी वो बोल रहे थे मैं रिकॉर्ड कर सकता था, बट कल मोबाइल नहीं होने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज जाऊँगा, अगर होप अगर पॉसिबल रहेगा तो मैं जो है रिकॉर्ड करूँगा, अगर वो पैसा अगर मांगेंगे। बाकी उनको तो मैं 1 रुपये भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ पे ऐसा हम लोग पढ़ा है कि हमारे ये मतलब हमारे टीचर ने बोला कि भ्रष्टाचारी बहुत है, तो उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचारी किस लिए है, इसलिए क्योंकि आप ऑफ़र करते हो देने के लिए किसी को, तब जाके इंटीग्रिटी बढ़ती है। अगर आप ऑफ़र नहीं करोगे तो इंटीग्रिटी होएगा ही नहीं। तो ये इंटीग्रिटी का मामला है। चलो देखते, अगर वो पैसे वैसे का अगर कुछ वो करेंगे, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। अगर मैं वीडियो बना पाता हूँ तो और भी अच्छा रहेगा क्लिप। अगर वो पैसा मांगते हैं तो फिर उनको जो है अच्छी तरीके से लेसन मिल जाएगा, और अच्छी तरीके से फिर ये वीडियो को मैं प्रमोट करूँगा। अगर वो अगर मेरे सामने अगर अभी उन्होंने पैसे के लिए अगर वो किया था, पहले तो उनसे मैं बोलूँगा कि भाई आप मेरा पासपोर्ट दे दो। 100 रुपये एक्चुअली कल मांग रहा था, तो मैं 20 रुपये देने के लिए रेडी था, बट 20 ही रुपये था मेरे पास, बट वो 20 रुपये में रेडी नहीं हुआ। तो मैंने चलो ठीक है अभी देखते वापस जाता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। अभी रास्ते में है और ये मौदो पोस्ट ऑफिस है, इसका पिन कोड जो है 8551135 कुछ है, दोनों में से कोई है, मौदो पंचायत। ये 2-3 पंचायत का ये एक्चुअली पोस्ट ऑफिस है, बट इसका एक्चुअली व्यवहार बहुत गलत है। जो जिसका भी कुछ भी सामान आता है सबसे पहले तो घर पे नहीं पहुंचाता, और वहाँ पे लेने के लिए जाएगा तो वही पैसे का मतलब वो करता, फरमाइश करता, जो कि इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी इशू है ये, समझे। और इस इंटीग्रिटी इशू को आप एक्सपोज नहीं करोगे तो हमारे जो यहाँ के गांव के जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी जिनका जो भी पोस्ट ऑफिस से काम होता है, उनसे ये जो है पैसा ऐटने का काम करते हैं इन लोग। तो ठीक है, विल ट्राई टू एक्सपोज हिम एज विल पॉसिबल। तो चलो देखते हैं क्या होता है, और तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, और उसको वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं देखूँगा कि हो सकता, अगर होएगा तो पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो आपको उसके बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ में, मतलब पासपोर्ट दिया कि नहीं दिया, या फिर किसी को कॉल करना पड़ रहा है, या क्या जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली क्या हुआ कि पासपोर्ट लेने के लिए गया था, और उसने वही सेम पैसे के मांग किया था, 100 रुपये का मांग किया था, बट मैंने दिया नहीं है। कि मैं उसको बोला कि कल मैं 20 रुपये दे रहा था, बट अब वो भी नहीं दूंगा, क्योंकि ऑल 2 बार मैं दौड़ दौड़ के 50-50 रुपये का पेट्रोल खर्चा करके 100 रुपये का ऑलरेडी मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया है, तो मैं तुमको कुछ देने वाला हूँ नहीं हूँ अभी।
तो बाद में मेरे को बोलता है जा मैं नहीं देता हूँ पासपोर्ट, तेरे चाचा को बोलना वो लेके जाएगा। मैं बोला मेरा पासपोर्ट है मैं ही लेके जाएगा। एक तो तुमने डिलीवर नहीं किया, मैं 2 दिन घर पे वेट किया बट मिला नहीं मुझे, तुमने डिलीवर नहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ आया और मैं पासपोर्ट इमरजेंसी पे मैंने अप्लाई किया और तुमने मतलब दिया नहीं। तो उसने पैसे का मतलब वो किया था बट मैं उसको पैसा दिया नहीं। बट होपफुली थोड़ा सा जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया है, तो अगर वो ऑडियो रिकॉर्ड अगर क्लियर अगर मिलता है मतलब मोबाइल में अगर सुनाई देता है तो मैं कोशिश करूँगा कि चैनल में भी बताऊँ। और मैं पहले उनको भेजूँगा वो ऑडियो कि भाई देखो तुम ऐसे इंटीग्रिटी करते हो मतलब किसी दिन मतलब तुम फंसोगे ये, नहीं तो अगर ये मतलब ज़्यादा कुछ अगर रूट अगर जाता है तो फिर जो है मैं इसको अपने चैनल में भी मतलब इसमें तो डालूंगा ही, इसमें नो डाउट कि मैं इसमें नहीं डालने वाला हूँ। गाड़ी बंद हो गया है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं आपको ऑडियो सुनाने के लिए। नहीं नहीं भाई थोड़ा नहीं एफोर्ड कर नहीं दो पाऊंगा, दी बार में चलो मेरे को टका नहीं दो पाऊंगा अभी। हां क्या अबले तो पासपोर्ट दो हैवे करे हेलो। नहीं नहीं दो हैवे नहीं लेकिन कौन से अरे 100 का मांगो इसकी मुल्ली के सबको थोड़ा सती थी। नहीं नहीं सबको के दो, सबको दो तो सवारों में ठिकाने में गए लेकिन ये निकाल 20 दो है को ना आर्मी 100 नहीं दूंगा पासपोर्ट से किला हम पासपोर्ट दिया 100 नहीं दूंगा पुलिस वाला पैसा नहीं दे रहे सब हमें क्रिमिनल नहीं थे, हमें बिल्कुल साफ सुथरा आदमी थे, हमें इंटीग्रिटी वाला मामला नहीं कर रही थी। कदर भी पास कर दी हमें 12th पास थी, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं थी। 12th पास पढ़ा कैसे रे बेटा हमारा खाली 12th कर यार कुछ नहीं करे हमें खाली 12th कर यार कुछ नहीं करे। हां हां अतुल रे और कुछ नहीं करे बस जानेंद्र वर्मन करे बोला हेलो। हां हेलो ये बोल रही आगे मत चले गए तो आगे मुझे पता नहीं है चार बजे तक आए आप वाले नहीं हुए फिर 4 भेज बोते हैं वाले उसको नहीं हुए वाले नहीं तो मैं कहूँगी 8 भेज वो बेचने के किधर गए कारण सुन गए जी। हाँ तो आग नहीं करूँ ठीक खुल लगा वो देख सकते 8 चलो फिर आज आप 4 भेज दो। नहीं 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 अब मैं नहीं दूंगी, मैं दीवार लौटे ना मैं 1 नहीं दूंगा, 1 नहीं दूंगा, 1 1 नहीं दूंगी, यानी 1 नहीं दूंगा दीवार लौटे के ना मैं इमरजेंसी में पासपोर्ट ही कर लो। हमें जिस दिन पहले गोरत इंतजार कर लो पैसा नहीं गेलो मैं वार बाद यहाँ हो लो मैं कल से फिर आज हो अब मेरे को टका नहीं देगा मोर पी सी सी वे मोर जे भी हो पे जे बापे बिठा कर रोके देखे थे नहीं वो गाड़ मारे तू मैं आज बड़े मारे थे साला वो तो ऑफिस सरकारी से सब कुछ हो पे मोर बेकार खाना ने जिम है रात को बाप से जा दादू तुम खाना है तुम खाना सा बात है नहीं मुग्धी बात ही लौटा दे लो काल दी जवान थगोलो नहीं तुम का से बोले तो मैं तो बात पे पैसा दो था बोलूं पासपोर्ट का आगे हम पहले तो आधा घंटा इंतजार कर सकते और बजे के बिना पास इधर से स्पेशली में पासपोर्ट का दीवार में नहीं करो ठीक है और बारिश का पता चल गया।
तुझे पता नहीं चल रहा हेलो गाइज आपने सुन लिया, ये हमारा जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग था जो हमसे घूस मांगा था 100 रुपये का, ठीक है। बाकी आगे का वीडियो देखिए। तो यही रहा कि एक्चुअली हमारे एरिया में जो है जो सरकारी मतलब जहाँ पे भी जो भी काम है उसमें जो है इंटीग्रिटी बहुत है यार। मतलब इस इंटीग्रिटी को ना एक्सपोज करना चाहिए यार। मतलब गरीबों से पैसा खाता है, उन गरीबों से जो मतलब बहुत ही गरीब लोग जिनसे मतलब ये इंटीग्रिटी का जो पैसा है ना इनको कैसे हजम हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता। मैं तो 20 रुपये देने को रेडी था उसको उस दिन, बट वो नहीं माना। उस दिन सोचा कि पूरा 100 रुपये खाऊंगा, बट ऐसा हुआ कि लास्ट में उसको नल बटे सन्नाटा जो है होना पड़ा। अभी मैं ट्राई करूँगा कि अपना जो वॉइस जो रिकॉर्ड हुआ है वो वॉइस को आप चैनल में दिखा सको। ऐ भाग 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 भाग, बच्चे लोग हैं गांव में। गांव जो है ये कर रहा हूँ, सामने से गाड़ी आ रही है और मेरे मोबाइल में कैमरा है हाथ में। चलो निकल गया, सेफली निकल गया। वो टेम्पो था उसको जो है ये करना था। तो फिर मैं आपको अपना पासपोर्ट का अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा इसमें। ये एक्चुअली उसमें ना रीडायरेक्ट जो है पासपोर्ट रिसीव करने का वो नहीं है, बट उन लोग ऐसा हो गया कि उन लोग डायरेक्ट घर में जो है डिलीवर नहीं करता है। बाकी उसमें लिखा हुआ है कि आप रीडायरेक्ट मतलब डिलीवर नहीं कर सकते, बट मेरे को जब पासपोर्ट जब मेरे को घर पे रिसीव नहीं हुआ तो इसलिए मुझे रीडायरेक्ट जाके रिसीव करना पड़ा। बट उन लोग दे देता है क्योंकि वहाँ पर और भी लोग आता है, ऐसा घर पे जाएगा तो पेट्रोल खर्चा होएगा, इन सब चीज़ का उनको सब मिलता है, बट फिर भी उन लोग ये सब इंटीग्रिटी जो है करते हैं। तो मैं आपको अभी थोड़े से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मेरे घर से दूर हूँ और मैं आपको जाके अपना पासपोर्ट का अनबॉक्सिंग भी बताऊँगा कि पासपोर्ट में मतलब क्या क्या उसमें ये दिया है। अगर उसमें अगर रिडायरेक्ट जो है उसमें ये नहीं करना है टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि रीडायरेक्ट आप पासपोर्ट डिलीवर नहीं कर सकते हो, और अगर वहाँ पे जो उस एड्रेस में अगर कोई नहीं है वो आदमी नहीं है तो आप उसको जो है रिटर्न कर दो, जहाँ से आता है वो वापस रिटर्न में भेज दिया जाता है। तो मुझे वो क्या बोलता है करके कि जब मैंने उसको बोला कि 1 रुपये भी नहीं दूंगा, तो उसने बोला कि क्या नेक्स्ट टाइम आगे तेरा कुछ काम नहीं होगा क्या पोस्ट ऑफिस से? तो मैंने बोला कि आगे काम होगा, मैं PCC भी कराने वाला हूँ और मेरा लाइसेंस भी आएगा, सब कुछ आएगा। अगर किसी भी चीज़ में अगर मेरे को अगर उल्टा हुआ तो मैं बांस कर दूंगा। मतलब मैं मेरे को गुस्सा आ गया वहाँ पे, मैं बोला करके मैं अगर मेरा सामान अगर मुझे नहीं मिला तो सोच लेना कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। अभी देखिए जो मैंने रिकॉर्ड किया वॉइस जो मैंने रिकॉर्ड किया, अगर वो अगर मुझे मिल जाता है मतलब क्लियर मिल जाता है तो वो अपने को बहुत हेल्प करेगा ये करने के लिए, उस एक्सपोज करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखते हैं, घर पे जाके सुनूंगा, वहाँ पे मैं जाके सुना भी नहीं उसके बाद कि मेरा पासपोर्ट का मतलब जो वॉइस मैंने जो रिकॉर्ड किया वो प्रॉपर है कि नहीं। अभी घर पे बैठ के देखूंगा, फिर उसके बाद एडिट करके जो है ये वीडियो डालूंगा कि भाई ये इंटीग्रिटी हो रहा है हमारे यहाँ पर, और जहाँ पे भी इंटीग्रिटी ऐसा इशू रहेगा आई विल ट्राई टू एक्सपोज जो पॉसिबल रहेगा। एक्सपोज करेंगे यार, एक्सपोज नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, समझे? चलो एक्सपोज करेंगे फिर और देखते हैं, चलते हैं घर जा रहे हैं और पासपोर्ट पे इसके बाद में आपको अनबॉक्सिंग इसी वीडियो में जो है अनबॉक्सिंग आएगा। मैं ऑलमोस्ट हमारा घर आ गया, ये घर है
है यहाँ पे, और जाके जो है मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और शाम तक जो है ये वीडियो आपको मिल जाएगी। और अच्छी लगेगी तो भाई वीडियो को जो है लाइक करना और शेयर करना, जितना ये इंटीग्रिटी जो के बारे में जो है इसको खूब शेयर करना, जितना शेयर करोगे उतना अवेयरनेस होएगा और उतना इंटीग्रिटी कम होगा। चलो थैंक यू सो मच।